फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनके लिए जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फेसबुक पोस्ट में भड़के लोगों ने किया हिंसा। बता दें कर्नाटक में बेंगलोर में मंगलवार देर रात को बवाल हो गया। कांग्रेस के विधायक श्रीनिवासन मूर्ति के करीब द्वारा लिखे गए एक फेसबुक पोस्ट पर कुछ लोग भड़क गए, जिसके बाद भीड़ ने विधायक के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान आगजनी, पत्थरबाजी और पुलिस से भिड़ंत हो गई। देर रात हुए इस बवाल में दो लोगों की मौत हो गई, साथ ही लोग घायल भी हुए। हालात को काबू करने के लिए बेंगलुरु में धारा 144 लगा दिए, जबकि हिंसा वाले इलाकों में पूरा कर्फ्यू लगा पड़ा है। संजय दत्त के फैंस के लिए बुरी खबर। दत्त के फेफड़ों में कैंसर से जूझ रहे उन्हें तीसरे स्टेज में एडवांस कैंसर है। रिपोर्ट के अनुसार वो अपने इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में संजय दत्त की तरफ से कोई बयान नहीं आया और उनके परिवार कल इस बारे में घोषणा कर सकते हैं। छाती में दर्द और सांस लेने की दिक्कत की शिकायत के बाद उन्हें 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। 2 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद संजय 10 अगस्त को डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए। अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। उसको रूस ने अपनी वैक्सीन पेश कर दी है। इस वायरस के खिलाफ ये पहला वैक्सीन है जिसने हरी झंडी मिली है, लेकिन इससे प्रभावशाली होने पर लगातार संदेह जताया जा रहा है। दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत में भी वैक्सीन उतारने के पहले सुरक्षा के लिए लिहाज से इसका असर को आंका जाएगा। ये कहने के देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुरेलिया। एक और बड़ी खबर, डॉक्टर से नेता बने मिजोरम के विधायक जेड आर एक बार फिर से चर्चा में हैं। डॉक्टर के मजदूर न होने पर जेड आर ने खुद एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया है, उसकी डिलीवरी कराई है। विधायक जेड आर सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में चंपाई जिले में भूकंप प्रभावित दूर इलाकों के दौरे पर और कोविड की स्थिति का जायजा ले रहे थे। एक क्षेत्र पड़ोसी मुल्क म्यांमार की सीमा से लगता और बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। जेडार के मुताबिक नागौर गांव में 38 साल के एक गर्भवती महिला का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। महिला की हालात गंभीर हो रही थी और चंपाई का स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर था। महिला इस स्थिति में नहीं थी कि 200 किलोमीटर दूर राजधानी आइजोल पहुंचा जा सके। जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैं फौरन अस्पताल पहुंचा और ऑपरेशन कर महिला की सफल डिलीवरी कराई। मार बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक बहुत बड़ा फैसला। बता दें इस फैसले में बेटियों के पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। भले ही हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो, हिंदू अभिवादी परिवार की संपत्तियों में बेटियों के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि एक बार एक बेटी हमेशा एक बेटी होती है, बेटा तब बेटा होता है जब उसकी शादी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा है कि बेटियों को भी बेटी की तरह संपत्ति में बंटवारे का बराबर का हिस्सा देना चाहिए। अब बात करते हैं आईपीएल की। दुबई एमायरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को कहा है कि उसे 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए बीसीसीआई की औपचारिक मंजूरी मिल गई है। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने एक दिन पहले ही पीटीआई को बताया था कि बोर्ड सरकार से सारी जरूरी मंजूरी मिल गई है। एमायरेट्स क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख कैबिनेट मंत्री शेख मुबारक ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि हम इस टूर्नामेंट के मेज़बानी करने जा रहे हैं और हमारे पसंदीदा खेल का सबसे चहेता टूर्नामेंट है। अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 23 लाख के पार हो गया है। अब तक 23,28,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 16 लाख से अधिक हो चुका है। यह 16,38,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर 70% हो गया। वहीं 46,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण से मौत हो गए हैं। अभी 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव कन्फर्म कोरोना केसेज हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।